लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए शख्स की पहचान हुई। पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार था मृतक गगनदीप। गगनदीप की महिला साथी भी हिरासत में। ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल। हमले में मारे गए शख्स गगनदीप के भाई से पुलिस कर रही है पूछताछ। गगनदीप के घर में अभी भी पुलिस मौजूद। किसी को भी घर के अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं। पीयूष जैन के कानपुर आवास से 177 करोड़ रुपए बरामदगी के बाद आयकर विभाग ने सोना भी बरामद किया। कारोबारी का बेटा हिरासत में। कन्नौज में दूसरे इत्र व्यापारी पर आयकर का शिकंजा। इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के ठिकानों पर भी आयकर की छापेमारी। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत के बाद रूठे हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर। कल बीच में ही छोड़ दी थी कैबिनेट की बैठक। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद खत्म हुई हरीश रावत की नाराजगी। रावत की अगुवाई में ही कांग्रेस लड़ेगी उत्तराखंड चुनाव। वो हमारी बात अप्रिशिएट की गई। मैं समझता हूँ समझने वाले सब समझ रहे हैं, जो न समझे वो अनाड़ी है। अयोध्या को लेकर दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा चंदे के साथ धंधा किया जाता है, हिंदुओं के चंदे से धंधा करती है बीजेपी। हिंदू जो है धर्म का पालन करते हुए आस्था विश्वास के साथ चंदा देता है और हिंदुत्ववादी उस चंदे से धंधा करता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। देश के 17 राज्यों में ओमिक्रोन के अब तक 415 मामले, 115 मरीज डिस्चार्ज और 300 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। नियम तोड़ने पर ₹500 का जुर्माना। किसी कार्यक्रम में नियम तोड़े तो आयोजकों पर ₹50,000 जुर्माना। हरियाणा में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम खट्टर ने की घोषणा। गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, जामनगर, गांधीनगर, भावनगर और जूनागढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दुनिया में कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है। ओमिक्रोन 108 देशों में फैल चुका है, 26 की मौत। हालात पर सरकार की पूरी नजर है, कोरोना नियमों का पालन करते रहें। कोरोना संकट को लेकर यूपी सरकार एक्शन में। आज से नाइट कर्फ्यू लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे की वजह से यूपी के लखनऊ और नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगाई गई। क्रिसमस के बहाने मोदी पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस ने फोटो जारी किया, पीएम के मन की बात को लेकर साधा निशाना और लिखा भगवान का शुक्रिया, सेंटा सबकी सुनता है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। भारत रत्न और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह ने गुड गवर्नेंस डे पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन। शाह ने कहा मोदी जी की सरकार देश बदलने के लिए आई, उन्होंने स्वराज को सुराज में बदलने का कार्य किया। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा 4 साल पहले अयोध्या का विकास शुरू हुआ, प्रधानमंत्री के प्रयासों से अयोध्या विकास की नई ऊंचाइयों पर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, हथियार और गोला बारूद बरामद। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान बवाल। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज। प्रत्याशियों के खेमेबाजी को लेकर भिड़े थे 2 गुट। नौबत मारपीट तक आ गई तो पुलिस ने नेताओं पर लाठीचार्ज किया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली। भीलवाड़ा पुलिस के 2 कांस्टेबल का हत्यारा, राजू फौजी चढ़ा पुलिस के हत्थे। यूपी के प्रयागराज में वकीलों के 2 गुटों के बीच झड़प, पुलिस ने दर्ज किया केस। पूर्व स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा कई राजनीतिक दलों से ऑफर मिला, राजनीति में जाने पर अभी कोई फैसला नहीं किया। ओडिशा के पुरी में रेत से बनाई क्रिसमस पर कलाकृति। रेत पर बना 5,400 गुलाबों के साथ सेंटा क्लॉज लोगों का ध्यान खींच रहा है। ओमिक्रोन के खतरे के बीच क्रिसमस का जश्न। जम्मू में सेंटा ने लोगों के बीच पहुंचकर बांटे मास्क, लोगों को किया जागरूक।
ओडिशा के भुवनेश्वर में मिनिएचर आर्टिस्ट ईश्वर राव ने बनाया बोतल के अंदर क्रिसमस ट्री। 8 दिन में बना 750 मिलीमीटर के बोतल में 8 इंच का क्रिसमस ट्री। प्रधानमंत्री मोदी कच्छ के लखपत साहिब में आयोजित गुरु पर्व समारोह में वर्चुअल शामिल रहे। पीएम ने कहा, कोरोना से लेकर कच्छ भूकंप में लोगों की मदद करने में गुरुद्वारों की अहम भूमिका। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक। अटल जयंती पर योगी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा। सीएम योगी ने लखनऊ में विद्यार्थियों को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बांटे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।